भाई टेलीग्राम पर एक बंदा मैसेज करता है, वो कहता है कि मेरे पास एक टेलीग्राम का ग्रुप है लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैसेज पड़े हैं, ठीक है। अगर मैं डिलीट भी करने जा रहा हूँ तो मेरे को उस ग्रुप का ओल्ड डिलीट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा, सिर्फ ऐसा दिखा रहा है कि एक एक करके सेलेक्ट कीजिए तब डिलीट हो गया। मतलब कि इसको एक मैसेज को क्लिक करना है, डिलीट करना है, एक मैसेज को क्लिक करना है, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो बंदा चाहता है कि जो भी ग्रुप के मैसेज है वो एक क्लिक से डिलीट हों, ठीक है। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो वीडियो को एंड देखना, लाइक वाला बटन पे क्लिक कर देना, फुल एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही बढ़िया रहेगी, ठीक है। और ये जो तरीका है 100% वर्किंग करती है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। सो ये है उस ग्रुप का नाम, मैंने उसे कहा था मेरे को एडमिन बना दे, उसने मेरे को एडमिन कर दी, सॉरी एडमिन कर दिया है। तो ये बताता हूँ कैसे होगा डिलीट ये सब, ठीक है। ये देखा ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है इसका, इतने सारे मैसेजेस भरे पड़े हैं, देख सकते हैं 27 तरीका दिखा रहा हूँ, ऊपर देख सकते हैं जाता ही जा रहा हूँ। अगर मैं एक एक करके एक बाई डिलीट करने लग जाऊँगा ना तो पता ही नहीं कितना ही टाइम निकल जाएगा। और जिस भी एप्लीकेशन की ज़रूरत है वो मैं वीडियो के बीच में बताऊँगा, ठीक है, उसी एप्लीकेशन को यूज़ करना। अगर आप दूसरी किसी करते हो आपको ये ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जो भी मैं एप्लीकेशन बताता हूँ वो क्या करते हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि एप्लीकेशन कहाँ है, या तो वो मेरे टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है या जो मैंने स्पोर्ट वाला दिया है उसके अंदर लिख देते हैं। भाई उसके अंदर क्यों लिख रहे हो, अगर मैंने डायरेक्ट वीडियो के अंदर वो मैं मतलब कि खुद करके बता रहा हूँ कि कहाँ पर लिखना है तो वहाँ पर लिखना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ अभी क्या करना, ये देख सकते हैं इतने सारे मैसेज है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, किसी भी एक पर क्लिक कर देना, ठीक है। सबसे नीचे आ जाता हूँ, क्लिक कर दिया, अभी आपको सबसे ऊपर जाना है इधर से, ठीक है, सबसे ऊपर चले जाना है आपको, ठीक है, जितना भी ऊपर जाया जाए आपको एक और सेलेक्ट कर लेना फिर, ठीक है। वीडियो को भैया ध्यान से देखो, लाइक कर दो, ठीक है। सो जैसे जैसे समझो मैं इतना ऊपर आ चुका, अभी क्या करना, इधर से एक और मैसेज सेलेक्ट करना। अभी ऊपर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, ये वाला, ये देखो टिक वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो क्लिक किया, ये देख सकते हैं 127 मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, सॉरी मेंबर नहीं, मैसेज। अभी डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, देख सकते हैं चुटकी बजाते ही 127 मेंबर, सॉरी 127 मैसेज इसने डिलीट कर दिए। अभी इधर हिसाब लगाओ, अगर तुम लोग खुद करते एक एक पर क्लिक करके तो कितना टाइम लगता, ठीक है। तो अभी दूसरी ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर वो इस पर क्लिक करना आपको प्रोफाइल पर, ठीक है, ये फो मीडिया दिख रही होगी, इसको सेलेक्ट करना है दो, फिर इस टाइप से इसके ऊपर क्लिक करना, अगर ना ना हो तो स्क्रोल कर देना। सो ये कर ली, ये कर ली, तो अभी करते देख सकते हैं 34 हो गई, डिलीट करेंगे देख सकते हैं। अभी फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं, फ़ोटोज़ पे क्लिक किया इसी टाइप से ऐसे, फिर मतलब पता ये ओल्ड टिक किस टाइप से होता है, जैसे मैंने एक इधर से सेलेक्ट किया ना, एक आपको थोड़ा सा नीचे आके फिर सेलेक्ट करना है, जैसे किया अभी, फिर टिक वाले पे क्लिक करना, अभी डिलीट पे, डिलीट पे। अभी लिंक्स पे क्लिक करते हैं, कितने लिंक्स हैं ये देख सकते हैं, दो लिंक्स आई थिंक होंगे, तो इसको भी कर देते हैं। सो GIF पे क्लिक करते देख सकते हैं कितने सारे GIF हैं, इसको भी स्क्रोल करेंगे इधर, ये हो गया, ये अभी फिर से टिक वाले पे देख सकते हैं 145 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गए, एक बचा इसको भी डिलीट कर देंगे, देख सकते हैं। अभी इधर दिखा रहा है कि आई थिंक हो चुके हैं, बैक आके देखते हैं एक बार। सो अभी देख सकते हैं मैसेज दिख रहा है, अभी क्या करते हैं एक बार इस ग्रुप को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो अभी ना तुम लोग ये मत समझना ये अभी भी मैसेज दिख रहे हैं, आपको क्या करना है इसी ग्रुप को किसी दूसरे अपने अकाउंट से ज्वाइन करना है, ठीक है। तो मैं करता हूँ इस काम को करते वक्त ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपका इंटरनेट है वो फास्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार अगर आप इंटरनेट स्लो होगा ना आप डिलीट पे क्लिक करेंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है। तो अभी बैक करते हैं, सही देर आप देखो इससे ऊपर आ जाते हैं सबसे ऊपर, ठीक है, जहाँ तक हम पहुँच पाएँ, देख सकते हैं मैं ऊपर आता ही जा रहा हूँ। 22 ग्रुपों में इतने सारे मैसेजेस हैं ना, वो बंदा परेशान हो चुका था डिलीट कर करके, इसलिए उसने मेरे को कहा कि तू भाई मेरी हेल्प कर दे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इधर सेलेक्ट है, दो सेलेक्ट किए, अभी ये ना एरो वाले पे क्लिक करोगे ना डायरेक्ट नीचे आ जाओगे, अभी इधर से करना, अभी वे टिक पे क्लिक करना, 100 मेंबर सेलेक्ट हो चुके हैं, डिलीट पे करेंगे, ठीक है, फिर से ऊपर आ जाना है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट आपका थोड़ा सा फास्ट रहना चाहिए, और अगर आप स्लो पे करोगे ना तो जो भी मैसेज है वो डिलीट होंगे लेकिन फिर आपको ऐसे ही दिखते रहेंगे। तो फिर से एक
ऊपर से सेलेक्ट करते हैं, नीचे से फिर स्क्रॉल करेंगे, इधर इधर आएगा, ये देख सकते हैं आ चुका है इधर, सॉरी हाँ ये वाला टिक भी क्लिक किया, डिलीट। ठीक है, मतलब एक बार में 100 में से सेलेक्ट हो रहा है। और सेकंड थिंग, एक और बात याद रखना, चैनल पे ऐसा ना ग्लिच रहता है, ठीक है, क्योंकि आप ना मैसेजेस तो अपनी ओर से डिलीट करते जा रहे हो लेकिन चैनल पे वो शो होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो ना परमानेंटली, मेरा एक चैनल है उस पर ऐसा है कि वो मैंने डिलीट कर दिए लेकिन तब भी बहुत दिनों तक शो हो रहे थे, लेकिन जब मैं किसी दूसरी आईडी से ओपन करके देख रहा था तो नहीं। सो जो भी ऐप मैंने यूज़ किया वो कहाँ पर मिलेगा, वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। आपको जैसे टेलीग्राम पर आओगे ज्वाइन वाला बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। चैनल का नाम बता देता हूँ, मेरे टेक्निकल विशाल है। अगर आप नीचे लिंक भी दिए गए लिंक से क्लिक करते, अगर आपको ऐसा आता है डायरेक्टली सर्च कीजिए, फिर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सर्च पर क्लिक करना है, या आपको ऑप्शन तभी शो करेगा जब तक आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। पहले ज्वाइन करना, फिर आपको लिखना है TELE टेलीग्राम प्रो APK, ठीक है, बीच में स्पेस मत छोड़ना। एक बार फिर से याद देख लो कहाँ पर लिखना है, कैसे लिखना है, सब कुछ बता दिया हूँ। सर्च पे क्लिक करना है, ये देख सकते हैं आ चुका है अभी डाउनलोड वाले बटन पे, जैसे क्लिक करोगे प्ले स्टोर पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ पर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ही शो हो रहे थे, ठीक है। तो ये हिसाब से रहता है, तो ये देख सकते हैं अभी फिर से 100 मेंबर सेलेक्ट करेंगे, टिक पे क्लिक करेंगे, डिलीट, सॉरी मेंबर नहीं, मैसेज मेंबर का मेरा नाम आ रहा है बार बार, देख सकते हैं हमारे भाइयों सारे हो चुके हैं, ठीक है। अभी अगर आपको फिर से समझ नहीं आ रहा, फिर से आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले को सबसे ऊपर वाला मैसेज सेलेक्ट करना है, फिर ऐसे नीचे नीचे करोगे नीचे एरो का ऑप्शन आ जाएगा ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक किया, अभी नीचे से एक मेंबर सॉरी मैसेज सेलेक्ट करना है, ये देख सकते हो चुका है। तो अभी जो ऊपर एक और टिक का ऑप्शन दिख रहा है ना ये वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो कर देते हैं, तो कर दे, फिर डिलीट पर क्लिक करेंगे, डिलीट। तो देखो दोस्तों सारा का सारे मैसेज उड़ चुके हैं, देखो मैंने कितना ही जल्दी आपको ट्रिक बताई, ठीक है। अगर आप दूसरी, मतलब खुद से आप करते तो आपको एक एक मैसेज डिलीट करना पड़ता, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक बताई है जिसके ज़रिए आपने कुछ ही सेकंडों में कर दिया। तो यार एक ही बात कहना चाहूँगा, अगर आपको ट्रिक ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को मस्ट लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और सॉरी कर लेना, और यूट्यूब को भी कर लेना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। अगर आपकी भी कुछ भी ऐसी मतलब दिक्कत आ रही है ना, मेरे को बता सकते हैं ताकि मैं उसकी वीडियो बनाऊं, बाकी ऑडियंस तक भी पहुंचाऊं, आपकी तो हेल्प हो, साथ में बाकी लोगों की भी हेल्प हो जो इधर उधर ढूंढते रहते हैं और उनको रियल वीडियो रियल ट्रिक नहीं मिल पाती, ठीक है। तो भाइयों आपके लिए, जब तक आप मेरे को जो भी तरीका है ना, मैं हर तरीका आपके लिए खोजूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलता किसी रोटी के साथ, सोचिंग ओके बाई।